अर्णमोहरिहंताणम अर्णमोद्धाणम नमो ऐरियाणम अर्णमोध्यायाणम नमो रोये सव्यसाधनम। यहाँ शंका समाधान की चर्चा कर रहे हैं अपन लोग शिकागो में। पिछले दो तीन सेशन अपने यहाँ हो चुके हैं आज, और जैसा कि प्रश्न सामने आया अभी एक कि तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि तो चार टाइम कीर्ति है, चार टाइम दिव्य ध्वनि के अलावा बचे हुए समय में क्या करते हैं। देखिए, तीर्थंकर परमात्मा तो दिव्य ध्वनि का भी विकल्प नहीं है। वो जो काम दिव्य ध्वनि के समय में करते हैं, दिव्य ध्वनि नहीं करते हुए भी वही काम करते हैं। आत्मा में लीन है ना, अपने स्वरूप में आनंद का उपभोग कर रहे हैं ना, तो दिव्य ध्वनि से तो पृथक है वो। दिव्य ध्वनि निकलना ये भाषा वर्गणा का काम है, ये पुद्गल का काम है, इसमें तीर्थंकर परमात्मा का कुछ भी नहीं है। भव्य जीवों के भाग्य से स्वयं अपनी योग्यता से उनकी वाणी निकलती है, और जो वाणी निकलती है वो भव्य जीवों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। जिस समय दिव्य ध्वनि चल रही होती है उस समय तीर्थंकर परमात्मा अपनी आत्मा के अतींद्रिय आनंद को अनंत सुख रूप से भोगते हैं, अनंत सुख को भोगते हैं। और जब अपने आप योग्यता से वाणी बंद हो जाती है तब भी वे उसी आनंद को उसी प्रकार भोगते हैं, तो कुछ फर्क नहीं है। रही बात सुनने वाले लोगों की, जब दिव्य ध्वनि का काल होता है तब तो सुनते हैं वाणी, जब दिव्य ध्वनि का काल नहीं होता है तो अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने घर के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब पर चले जाते हैं, खाना पीना नहाना धोना सोना ये सब काम होते हैं। तो इस तरह से कोई गैप पड़ने का कुछ सवाल नहीं है। हम आपसे पूछते हैं, शिविर चल रहा हो तो जब प्रवचन चलते हैं तब तो आप यहाँ बैठते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं फिर? अपना काम करते हैं कुछ भी? तो तीर्थंकर परमात्मा भी अपना काम करते होंगे कि नहीं? वो अपना काम नहीं करते। अपना काम मतलब ये काम नहीं है जिन्हें हम काम समझ रहे हैं, जो उनका असली काम है वो तो निरंतर हो ही रहा है, तो कोई बाधा नहीं है साहब उसमें, है ना, ऐसा ही चलता है। और कोई प्रश्न? हितोपदेश के तो धर्म के उपदेश के लिए कभी जाते हैं? ये कह रहे हितोपदेशी है तीर्थंकर परमात्मा, उपदेश के लिए कब जाते हैं? कभी नहीं जाते, कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। वास्तव में तो हितोपदेशी उनको इसलिए कहते हैं कि हमें दिव्य ध्वनि का लाभ मिल रहा है, भगवान से पूछो तो कहते हैं हम हितोपदेशी कहाँ हैं, हम तो उपदेश हमारा होता ही नहीं है। सारे जगत के जीव यह कहते हैं कि तीर्थंकरों का उपदेश हो रहा है, लेकिन परमात्मा यह कहते हैं कि हमारा उपदेश कभी हो ही नहीं सकता, यह आत्मा भाषा का कर्ता होता ही नहीं है। जगत के जीवों को उनकी योग्यता से उस वाणी का लाभ मिलता है, इसलिए वे कहते हैं ये वाणी हमारे लिए हितकारी है, उसे हितोपदेश कहा जाता है, बस ऐसा ही स्वरूप है। और बताएं। वो जो निर्वाण, जब तक उस निर्वाण नहीं उसका होता है तब तक वो दिव्य ध्वनि कंटिन्यूअस चलती है? जब तक निर्वाण नहीं होता तब तक दिव्य ध्वनि चलती हो ऐसा नहीं है। जब वे योग निरोध करते हैं उसके बाद उनकी वाणी घेरना बंद हो जाता है। योग निरोध क्या होता है? वैसे तो 14वें गुणस्थान को योग निरोध कहा जाता है, अयोगी अवस्था। उस 14वें गुणस्थान का काल तो 5 लघु अक्षर प्रमाण है, ठीक है, लेकिन तीर्थंकरों के केस में उस योग निरोध को तब से कह दिया जाता है उपचार से जब से उनकी वाणी घेरना बंद होता है। योग निरोध बोलने में आता है, यद्यपि उसके बाद भी उनका विहार होता है तो वास्तव में योग निरोध तो नहीं हुआ। जैसे ऋषभ देव का 1 महीने पहले योग निरोध हो गया था, ऐसा कहते हैं आदिनाथ भगवान ने 1 महीने पहले उनकी वाणी घिरना बंद हो गया था। अब 1 महीने पहले वाणी घिरना बंद हो गया तो
फिर गमन बंद हो गया होगा कि नहीं, गमन तो होता था, विहार तो होता था उनका, एक जगह से दूसरी जगह पे गमन होता था, फिर योग चंचलता रुकी क्या नहीं रुकी, कि नहीं रुकी, तो कहते क्यों है कि योग निरोध कर लिया, कि वाणी गिरना बंद हो गया, इसलिए योग निरोध कह दिया जाता है। महावीर भगवान ने तेरस के दिन अंतिम वाणी गिरी थी, त्रयोदशी के दिन, धन्य तेरस कहते हैं अपन लोग, तो उस दिन के बाद उनका उपदेश नहीं हुआ, निर्वाण तो हुआ बाद में, तो निर्वाण तक भगवान की वाणी और उपदेश गिरता रहे ऐसा नहीं है। वाणी अपनी योग्यता से और भव्य जीवों के भाग्य से जब तक निकलनी हो तब तक निकलती है, जब रुकनी हो तब स्वयमेव रुक जाती है। प्रवचन सार ग्रंथ में 44 नंबर गाथा, गाथा 44, 45, 46, इन दो तीन गाथाओं में इस प्रकरण को जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा तीर्थंकरों का उठना, बैठना, गमन करना और वाणी गिरना, ये सब अपने आप अपनी योग्यता से होता है। जैसे स्त्रियों में मायाचार का उदाहरण दिया वहाँ, प्राकृत के कोई विशेष जानकार स्त्रियों में माताचार शब्द का प्रयोग करते हैं, मायाचार नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो प्राकृत की दृष्टि से उसमें माया की जगह माता भी बनता है शब्द, तो स्त्रियों में जैसा मातृत्व भाव होता है सहज अपने आप ही, सिखाना नहीं पड़ता, उसी तरह से सहज ही अपने आप वाणी गिरती है। और एक और एग्जाम्पल उन्हीं गाथाओं में दिया, बादलों का गमन करना, रुकना, गरजना और बरसना, बादल क्लाउड्स, वो बिना विकल्प के होता है अपने आप ही, उसी तरह से तीर्थंकरों का भी आहार विहार, आहार नहीं विहार, रुकना, खड़े होना, चलना, वाणी घिरना, ये सब बिना विकल्प के अपने आप ही होता है, इसका तीर्थंकरों को कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है। और तीर्थंकर विहार करते हैं ना, हाँ तीर्थंकरों का विहार होता है, तीर्थंकरों का विहार होता है, तो एक जगह पर समाविशरण जहाँ लगा हुआ था वहाँ समाविशरण विघटित हो गया, विलीन हो गया, मायामयी था, माया से बनाया गया था, वो पूरा विलीन हो गया। तीर्थंकर परमात्मा जहाँ समाविशरण में कमल से चार उंगल ऊपर विराजमान थे वो वहाँ से खड़े हो गए, तीर्थंकर समाविशरण विलीन हो गया, अब उनका गमन करना शुरू हुआ, देवों के माध्यम से स्वयमेव ही वहाँ 225 गोल्ड के कमलों की रचना कर दी जाती है, स्वर्ण कमल की रचना 225, 15-15 की 15 लाइनें, 15-15 की 15 लाइनें कमल की, एक सेंटर कमल बड़ा जिसके ऊपर तीर्थंकर परमात्मा है, कमल को छूते नहीं है, पैर उठाते नहीं है, हमारी जैसे जो एक पैर उठता है फिर दूसरा उठता है ऐसा नहीं, दोनों पांव साथ में होते हैं, वे जैसे ही आगे वाले कमल की तरफ बढ़े नीचे से कमल और आगे खिसक गए, माने वो 225 स्वर्ण कमल निरंतर उनके नीचे रहते हैं। इस तरह से वे विहार करते करते जब किसी दूसरे क्षेत्र पर पहुंचकर कहीं उनका विहार स्वयमेव रुक गया तो फिर सौधर्मेंद्र के निर्देशन में वहां पुनः समाविशरण की रचना कर दी जाती है, आसपास के लोग वहां सूचना हो गई तो लोग उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आ जाते हैं। राजगिरी पर्वत जो शिखर जी के पास में है, राजगिरी है ना, वहां विपुलाचल नाम के पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समाविशरण आया तो सबसे पहले दिव्य ध्वनि वहां विपुलाचल पर्वत पर गिरी। आपको पता है 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कहां हुआ था, ऋजुपुरा नदी के तट पर, क्या वहां उनको केवल ज्ञान हुआ, वहां समाविशरण की रचना हुई, एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, 66 दिन तक वहीं नहीं रहे विलास भाई, 66 दिन तक निरंतर उनका समाविशरण कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं विहार होता चला गया। जब वो समाविशरण विपुलाचल पर जाकर के लगा और रुका राजगिरी के पास वहां, तब वहां सबसे पहले दिव्य ध्वनि घिरी उनकी। तो ये संभव है भव्य जीवों के भाग्य से, कहाँ वाणी खिरना है, कब खिरना है, और फिर वहां जाकर के पुनः उनका बैठ जाना होता है, क्योंकि खड़े खड़े वाणी नहीं खिरती, विहार चल रहा था
तो खड़े थे और फिर जाकर के बैठ गए, फिर वापस समवचरण की रचना हो गई, भव्य जीव अंतर मूर्त में फटाफट सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आ गए, 20,000 सीढ़ियां चढ़ के तीन तीन गतियों के जीव, देवगति के जीव तुरंत वहां उपस्थित हो गए और वहां दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हो गया, सर्वांग से वाणी गिरना प्रारंभ हो गया, मुख चंद्र थे अमृत झरे। यद्यपि ये लाइन मुनिराज के संदर्भ मुख चंद्र थे अमृत झरे, सर्वांग से वाणी गिरती है, भव्य जीवों को 18 महाभाषा 700 लघु भाषा में ट्रांसलेट होकर अपने आप उस वाणी का लाभ मिलता है। कुछ कहते हैं कि होठ नहीं हिलते लेकिन वाणी मुंह से ही निकलती है, खैर कुछ भी हो लेकिन वो स्वयं लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो इस तरह ये दिव्य ध्वनि का स्वरूप है ना। और बोलिए, सुखदेव भगवान ने हाँ अपना जैन धर्म का उपदेश दिया, जैन धर्म कैसा है ऐसा आगे हाँ। इसे संभव अजित नाथ भगवान आया, उसने क्या बताया? वही हाँ। ने देखो प्रश्न है इनका, ऋषभ देव हाँ तो अभी अभी बोलता है कि महावीर स्वामी ने बताया, महावीर स्वामी ने क्या बताया? बताया तो ऋषभ देव ने, ऐसा क्यों बोलता है कि महावीर स्वामी बताता है स्वामी ऐसा? सही बात है, युग है पंचो तो जैन धर्म ऐसा कहता है, ऐसा बोलना चाहिए, सही है तो ऋषभ देव ने, ठीक बात है। अब मैं ये कह रहा हूँ कोई बात मैंने अभी आपको बताई, आपने सुनी तो आप क्या कहेंगे कि संजीव जी बता करके गए, लेकिन ये बात तो आपको भारिल जी 35 साल से बता रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं कहते हो कि भारिल जी ने बताई? वो तो 35 साल से आ रहे हैं ना यहाँ, कि वो चले गए दूसरे बताने लग गए उसी बात को, तो फिर उनके नाम से चलने लगा। अभी वर्तमान में शासन काल भगवान महावीर स्वामी का चल रहा है, भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है, और किसी भी तीर्थंकर का शासन काल तब तक होता है जब तक नए तीर्थंकर का समवचरण लगकर दिव्य ध्वनि गिरना शुरू नहीं हो जाता, तब तक उनका शासन काल कहलाता है। पार्श्वनाथ भगवान का शासन काल कब तक चला था? उनका उपदेश शुरू हुआ तब से लेकर महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि गिरना शुरू हुआ ना उसके पहले दिन तक पार्श्वनाथ भगवान का शासन काल चल रहा था। ऐसे ही तीर्थंकरों में तो इसी तरह का चलता है। फिर दूसरी बात यह भी है कि ऋषभ देव ने जो बातें बताई वे ऋषभ देव के निर्वाण चले जाने के बाद अजितनाथ स्वामी हुए 50,00,000,000,000 वर्ष सागर के गैप के बाद, 50,00,000,000,000 सागर, 5 मिलियन फिर करोड़ और लगाओ और आगे 70 और लगेगी उसके आगे, फिर उसके आगे सागर, इतने काल का गैप था ऋषभ देव और अजितनाथ स्वामी के बीच में, कितनी पीढ़ियां निकल गई होगी, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनती पीढ़ियां निकल गई। अब फिर भी जब जिन्होंने अजितनाथ का उपदेश सुना तो कोई ऐसा बैठा है जो ये कहेगा कि हमने ऋषभ देव का सुना था तुम अजितनाथ का क्यों कहते हो, वही बताओ? अरे वो किसने सुना यार, वो कब, करोड़ सागर पुरानी बात हो गई, 50,00,000,000,000 सागर पहले की बात हो गई। बोलो यहां आपके इस मंदिर में या आपके जीवन काल में कोई व्यक्ति 100 साल पहले कोई प्रवचन करके गया था यहां पर, तो आप कहोगे कि नहीं वो तो वही बात तो कह रहे हो, प्रवचन में तो वही बात 6 द्रव्य 7 तत्व की बात आ रही है, आपने क्या नया बतलाया? तो हम तो यही कहेंगे कि वो चल रही है। अरे भाई नया आ गया, नए व्यक्ति ने नई बात कही है, जिस व्यक्ति ने लास्ट में कही हो उसी व्यक्ति की बात मानी जाती है, ऐसा ही कहा जाता है। आप जिस मकान में रहते हो उसे अपना क्यों कहते हो? ये बनाया तो आपके दादाजी ने, परदादा ने, पता नहीं किसने बनाया था, आप क्यों अपना कहने लगे? उन्हीं का कहो ना, मकान में तो नहीं लगाता है, तब तो कहता है जनरेशन बदल गई अब तो हमारा हो गया। क्यों क्यों ये होता है ना इस तरह का, तो यही तो हम कह रहे हैं जनरेशन बदल गई, ऋषभ देव के बाद में बदली जनरेशन, अजितनाथ आ गए फिर उनका कहलाने लगा, फिर अजितनाथ चले गए फिर संभवनाथ आ गए फिर उनका कहलाने लगा, फिर वो गए अब लास्ट में महावीर स्वामी आ गए, अब महावीर स्वामी का कहला रहा है, महावीर स्वामी के बाद अब जब वो आ जाएंगे कौन? राजा श्रेणिक का जीव महापद्म, तो फिर महावीर भगवान का नहीं कहलाएगा, फिर सब ये कहेंगे ये महापद्म का शासन काल चल रहा है, फिर ऐसा कहेंगे। तो ऐसा ही स्वरूप है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें कोई शंका समस्या वाली बात नहीं है। और बोलिए विजय भाई, जो सुबह आया था देश गाती और सर्वदा,
तो जब मैं पहले पढ़ता था उसमें दोनों का एग्जाम्पल की देश गाती है ये सब गाती है तो काफी कंफ्यूजन होता था कि इसको क्यों कहा, ये कहा तो सही है लेकिन क्यों कहा। तो फिर मैंने पूछा कैसे थे और फिर देन व्हाट आई अंडरस्टूड तो आपने आपने जो डिवाइड किया लेकिन ये क्यों कहा इसकी चर्चा तो हम कल करने वाले हैं। अच्छा, तो माने अभी तो मैंने भेद बतलाए हैं, अभी तो मैंने सिर्फ आपको वो प्रकृतियां याद कराई है, लेकिन जो देशघाती है वो देशघाती क्यों है और वो जो सर्वघाती है उनको सर्वघाती क्यों कहा है इसकी चर्चा तो हम कल करेंगे विस्तार से। अच्छा, लेकिन मैं क्या समझता हूँ समझा कि जिसमें तारतम्यता होती है जो ज्यादा कम हो सकता है वो देश गाती है, वो सब देश गाती है, ठीक है कह सकते जो या हो या ना हो दो ही पॉसिबिलिटी। अच्छा, लेकिन उसमें दूसरी बात ये कि दर्शना दर्शनावरणी के जो वेद है उसमें सर्वघाती में पांच निद्रा के जो है। हाँ हाँ, अब जब हम दर्शन उपयोग की बात करते हैं तब तो उसमें चार भेद कहे जाते हैं और दर्शनावरणी की बात करते हैं तब ये नौ हो जाते हैं। और ये पांच निद्रा का क्या स्वरूप है, क्या वो भी आप कल बताने वाले? निद्रा का स्वरूप भी बता देंगे, कोई बात नहीं। दर्शनावरणी कर्म के उदय से ये स्थिति बनती है निद्रा की स्थिति, माने निद्रा नाम की एक प्रवृत्ति है ना इस जीव की, इस प्रवृत्ति में कौन सा कर्म कारण बन रहा है। हमारे द्वारा जितने भी कार्य होते हैं डे टू डे लाइफ में ये कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं हमारे द्वारा किए गए कर्म से, कर्म का ही रिफ्लेक्शन है ये, जो भी कार्य दिखाई दे रहे हैं, मतलब समझ लीजिए उठना बैठना चलना खाना पीना बॉडी ये सारे सब काम जो दिख रहे हैं, जो संयोग दिख रहे हैं, किसी न किसी कर्म के उदय का योगदान है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कर्म के उदय से ये मोबाइल मेरे पास में है तो ये क्यों है, ये घड़ी मेरे पास में है तो यही वाली क्यों है, इसी कलर की क्यों है, ये कुर्ता यदि पहना हुआ है तो यही वाला क्यों पहना हुआ है, समझ रहे हैं आप? मैं अभी बोल रहा हूँ तो आवाज़ इसी प्रकार की क्यों निकल रही है, शरीर गर्म है ठंडा है दांत में दर्द है सर में बाल है कुछ भी समझ लीजिए, हमने भोजन किया तो यही क्यों किया, ये घास ही क्यों अंदर गया, थाली में यही क्यों मिला हमारे को, अंदर जाकर के वो कैसा पचेगा नहीं पचेगा क्या बनेगा, सब कुछ परिस्थितियां ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं पूर्व में बांधे हुए किसी कर्म को, और एक भाव रूप है कर्म के उदय जन्य है सब परिस्थितियां। तो अब हमने कहा कि ये तो हमने वेदनी आदि कर्मों के बारे में कह दिया, ये निद्रा का क्या चक्कर है? तो कहा दर्शनावरणी नाम का एक कर्म है जो दर्शन के ऊपर आवरण डालता है, दर्शन माने देखना ज्ञान के पहले होने वाली परिस्थिति। तो जब ये जीव निद्रा के काल में होता है तो कुछ बेचेत हो जाता है, दर्शन नहीं हो पाता किसी किसी विषय के संदर्भ में। तो सर्वघाती कर्म प्रकृति ये दर्शन का घात करने वाली है पूरी तरह से, इसलिए सर्वघाती कहलाती है ये, दर्शनोपयोग के अंतर्गत उसको शामिल किया है ना। कल और थोड़ी बहुत जो चर्चा इनके भेदों की सार्थकता के संदर्भ में लेंगे तब देखेंगे और थोड़ा और बोलिए। बाकी सब वन टू वन करेस्पोंडेंस है या एक खाली ये एक तरफ है और उसमें नहीं है। हाँ, क्योंकि निद्रा सब एक जैसी है, निद्रा थोड़ी बहुत भी हो, मैं ये कहता हूँ गाड़ी चलाते समय आपको प्रचला निद्रा आई या निद्रा आई या प्रचला प्रचला आई है स्थान वृद्धि कोई भी हो दुर्घटना में सब कारण बन जाएगी। कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो प्रचला ही तो थी, हल्की से हल्की झपकी तो ली थी गया कि नहीं, ज्यादा तो नहीं आई थी हल्की थी कि हल्की में गया निकल गया वो काम हो गया। तो निद्रा के अंदर कुछ ऐसा भेद नहीं है कि इतनी निद्रा तो चल सकती है और इतनी नहीं चल सकती ड्राइविंग में जैसे, तो फिर प्रवचन में कोई व्यक्ति कहेगी नहीं इतनी सी तो आई थी ये कैसे चल सकती है, वो सब्जेक्ट निकल गया
वो वाक्य जो इंपॉर्टेंट था ना, जो चोट मारने वाला था, वो निकल गया। इसलिए सावधान रहना चाहिए। ठीक है, बोलिए जयेश भाई। पंडित जी, हमने जो अभी पंचलब्धि का टॉपिक हाँ। किया है, तो आगे जो उनके प्रीफिक्स में शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तत्व विचार किया समकित नहीं हुआ, व्यवहार धर्म किया, फिर बोले कि पंचलब्धि नहीं है इसलिए नहीं हुआ, कि ये पंचलब्धि की भी जरूरत है, तो ये फिर कर्म के अधीन है ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो तत्व विचार तो किया पहले? देखिए, तत्व विचार किया ना, देखो ये जो पांच लब्धियां है ना, ये सम्यक दर्शन प्रकट करने की प्रोसेस है। बराबर, ठीक है। ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो नियम से सम्यक दर्शन हो जाएगा। हो सकता है ये प्रोसेस पूरी नहीं हो और बीच में रुक जाए तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए पंडित जी साहब ने एक वाक्य दिया है, हम लोग प्रकरण में आएगी चर्चा, कि भाई प्रायोग्य लब्धि तक इस जीव ने अनंत बार किया, करण लब्धि न होने से काम नहीं हो सका, उस लेवल पर आकर के रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। आगे बढ़ जाता तो काम हो जाता। माने जो विचार वाली जो बात है ना, वो विचार भी क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य, प्रायोग्य में भी बहुत हल्के लेवल का है विचार। जो विचार असली प्रायोग्य लब्धि के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। विचार विचारों की सीमा तक ही रहता है, वो विचार निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है। विकल्पात्मक भूमिका में लगता तो ऐसा है विलास भाई कि निर्णय हो गया, हमें निर्णय एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है। आप मेरे को आधी रात को भी हिला करके पूछोगे तो मैं यही कहूंगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, मुझे पक्का निर्णय है, पक्का भरोसा है इस बात का। तो भी हम यही कहेंगे कि आपको भरोसा नहीं है, आपको भ्रम है इस बात का। ये बार बार में सुन रहे हैं ना, इसलिए हमें ऐसा भ्रम हो गया है कि मैं तो समझता हूं पुण्य में धर्म नहीं है, मैं तो समझ लिया। नई बात बताओ पंडित जी कुछ, आप ये तो समझ में आ गई कि पुण्य में धर्म नहीं है। अंदर दिल के किसी कोने में आप तलाशेंगे तो आपको मिलेगा कि पुण्य में ही धर्म मान करके बैठा हूं। व्यवहारभासी है निश्चित तौर पर, निश्चयाभासी के लक्षण तो दिखते नहीं है, कम है। निश्चयाभासी तो बहुत अल्प मात्रा में है, उभयाभासी भी कम, व्यवहारभासी ही ज्यादा मिलेंगे। ये जो शिविर का आयोजन है ना, ये मई जून में जो यहाँ कभी कभी शिविर लगा लेते हैं, शिकागो में 5 दिन का शिविर लगा लिया, 3 दिन का शिविर चल रहा है, इसमें जो माहौल बनता है फिर कितना अच्छा लगता है हमारे को। अरे यार 3 दिन कितने अच्छे बीते ना, और फिर उसके बाद में अब यार भी तो फिर वही रूटीन लाइफ चालू हो गई, लेकिन वो 3 दिन जो थे गजब ही थे, उसमें तो बहुत मजा आया हमारे को। जाना शिविर लग रहा है अभी एले में, अरे वो बहुत अच्छा रहता है, माने लाइफ का या साल भर का क्रीम टाइम रहता है। बोलो ये जवान से निकलता है कि नहीं आपसे? पूरे साल भर में यदि निकालो आप, तो ये 5 दिन जिस दिन सुबह से लेकर के शाम तक इस तत्वाभ्यास में हम लगे रहे, इसे हम अपने साल भर का क्रीम टाइम कहते हैं ना। आप उससे संतुष्ट है ना उस चीज से, इसका नाम व्यवहारावास है। क्या कर लिया आपने 5 दिन में? 3 दिन यहां सुबह से शाम तक बैठे रहे तो क्या कर लिया आपने? कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया? अनंत बार किया है, अनंत बार ये काम, इसके बाद क्या करना था वो काम नहीं हुआ। प्रायोग्य लब्धि भी एक विशिष्ट लेवल पर जाए तो करण तक पहुंचेगा। इसलिए पंडित जी साहब ने कहा, बुद्धि पूर्वक 13 काम तो तत्व विचार करना ही है, बस इससे आगे अपनी चलती नहीं है। आगे का काम तो भवितव्य पर छोड़ दो, वो एक विशिष्ट लेवल पर पहुंचकर वो विकल्प स्वयमेव टूटेंगे और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी। ये प्रक्रिया है। बुद्धिपूर्वक काम क्या है हमारा? देखो मैं संक्षेप में बात कहता हूं, कभी कभी इस तरह की बात कहता हूं आनंद भाई, क्षयोपशम अपने हाथ में नहीं है। थोड़ा बहुत तो खबर है ही आप लोगों को लब्धियों की, क्षयोपशम अपने हाथ में नहीं है। विशुद्धि, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, और देशना, इसमें भी तुम्हारी चलती नहीं। मैं इन तीनों को बहुत स्थूल मोटे मोटे तौर पर कहूं, अभी सुबह वाले अंतरों की चर्चा मत करना जो अंतर बतलाए थे। अभी इतना समझो
क्षयोपशम लब्धि में ज्ञानावरणी आदि जो कर्म थे उनका उदय मंद हो गया, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया उसमें, उदय मंद हो गया सब, हमारा तो कुछ नहीं है। तो क्षयोपशम लब्धि अपने आप हो गई। विशुद्धि लब्धि चारित्र मोहनीय कषाय के, चारित्र मोहनी कर्म के मंद उदय से विशुद्धि अपने आप हो गई। विशुद्धि के लिए क्या किया, मोह मंद हुआ ना, विशुद्धि का मतलब क्या है, मोह मंद होना। अब ये भी हो गया, चारित्र मोहनी का मंद उदय हुआ। और देशना तो गुरुदेव कहा करते थे, भैया जूतों में बैठ करके भी सुनने का अवसर मिले तो समझ लेना महाभाग्य है। तो पूर्व पुण्य के उदय से सुनने को मिल रहा है, देशना भी मिल गई हमारे को, लो पुण्य का उदय था। पूर्व में कोई इस तरह के पुण्य किए थे कि जिनवाणी सुनने का योग बनना था, सो साता वेदनी कर्म के विशिष्ट जाति के तीव्र पुण्य के उदय से ये हमारे को जिनवाणी सुनने का अवसर मिल जाता है, देशना लब्धि हो गई। क्षयोपशम विशुद्धि और देशना, इन तीनों में तो अलग अलग जाति के कर्म का उदय काम कर रहा है। अब इन तीन के बाद होना था असली काम तो, और इन तीन के बाद तो पल्ला झाड़ के चले जाते हैं हम, सुन लिया और क्या करेंगे, छुट्टी हो गई, सुन तो लिए साहब, सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, इतना तो हो गया, दिन भर से बैठे हैं, अब भी घर नहीं जाएं क्या, मैं पल्ला झाड़ के चल दिए। अरे काम तो अब होना है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक तो क्या हुआ है, अभी तक तो कर्णेन्द्रिय का विषय बना था, अभी तो कोई कार्य नहीं, अभी तक तो सुनने का काम हुआ था। असली काम जो पंडित जी साहब कह रहे हैं, तेरा काम क्या है, कर विचार तो पाम, तेरा काम क्या है, जो सुना है ना विचार कर, बुद्धिपूर्वक विचार में उपयोग लगा और फिर निर्णय करने में लग, तो तत्व निर्णय तक पहुंचना ये तेरा बुद्धिपूर्वक काम है, फिर साहब वो करण लब फिर हो जाएगा जो होगा, अब छोड़ दे उसको, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया चलाने वाले हैं अपन, दो चार दिन चलाएंगे इसी बात को, और क्या है। तो कुछ प्रकृतियों की अपेक्षा से कुछ एक एक जहाँ विशुद्धि की चर्चा करेंगे, कुछ और विशुद्धि को खोल देंगे, विशुद्धि कितने प्रकार की हो सकती है। मेरा एक प्रवचन है साल दो साल पहले का, सम्यक्त्व की पात्रता, आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद सुना हो, पहले डलास में लिया था मैंने, सम्यक्त्व की पात्रता। तो उस पात्रता में विशेष रूप से विशुद्धि की चर्चा होती है, किस तरह की विशुद्धि चाहिए, भावभूमि किस तरह की बननी चाहिए, खान पान बाह्य आचरण विचार चिंतन बहुत तरह की बातें उस विशुद्धि में शामिल होती है। फिर देशना का स्वरूप क्या होना चाहिए, फिर उस स्वरूप की चर्चा करेंगे। हर विषय का नाम देशना नहीं है, वो देशना में क्या बातें आए और प्रायोगिक में चिंतन किस तरह का चले, विकरण लब्धि का काम तो अपने आप होना है। तो ये सब चर्चाएं अपन करने वाले हैं। और बताइए, हाँ आपने हाँ अपने तो अपन तो हो गए ना सैनी पंचेंद्रीय, अब क्यों काई की टेंशन है आपको, थोड़ा वापस जाने का प्लान तो नहीं है तो अब क्या करना है, तो कुछ कुछ ना कुछ तो रहा होगा, वो पकड़ में नहीं आते हैं एक्चुअल में, वो एकेंद्रीय जीव के जो भाव है ना, बस इतना ही समझ लीजिए कि कुछ है, कुछ तो है। मैंने बतलाया था वो आधे घंटे का जो प्रवचन अभी मयामी वाला जो मैं बता रहा था आपको, उसमें थोड़ी बहुत यही चर्चा की है मैंने, तर्क से सिद्ध करने का प्रयास किया है, कुछ कर्म के उदय आदि के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया कि भाई भाव नहीं बदलेंगे तो परिस्थिति कैसे बदलेगी, उसके भाव नहीं बदलेंगे तो नए कर्म का बंध कैसे होगा, उसके भाव यदि नहीं बदलेंगे तो नया आयु कर्म कैसे बांधेगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि ये मनुष्य में जाना है कि त्रियंश में जाना है कि दो इंद्री बनेगा कि चार इंद्री बनेगा। वो एक इंद्रिय जीव ने कुछ कर्म किए होंगे ना तभी तो कर्म बंधेगा, जो कर्म बंधता है वो तो भावों से बंधता है, तो इसका मतलब भाव हो रहे हैं उसके, कुछ ना कुछ हो रहे हैं। देखो देह से फर्क नहीं पड़ता, वास्तव में एक इंद्रिय पना ये तो शरीर का काम है, आत्मा तो एक इंद्रिय होता नहीं है, या आत्मा भी एक इंद्रिय हो गया, आत्मा तो वही है ना पूरा का पूरा,
तो भाव जो होते हैं ये इंद्रियों में नहीं होते, भाव आत्मा में होते हैं। परिणाम विचार ये सब आत्मा में चल रहा है, वो ज्ञान गुण की पर्याय है। क्या उसके कषाय नहीं होती? ये एक इंद्रिय जीव को आप वितरागी मानोगे? कषाय तो होगी, भगवान थोड़ी ना हो गया है वो, तो उसके कषाय भी है, प्रचुर है उसके। तो इसका मतलब कषाय भी बहुत है और ज्ञान भी है। ज्ञान से रहित मानेंगे तो जड़ मानना पड़ेगा, कषाय से रहित मानेंगे तो भगवान मानना पड़ेगा। अब न तो हम उसे भगवान मान सकते हैं न हम उसे जड़ मान सकते हैं, तो फिर बीच की पोजीशन है ना, आप देख लो जो भी होगी स्थिति। ज्ञान अल्प है, ज्ञान अपना काम कर रहा है, कषायें अपना काम कर रही हैं, और कषायों और ज्ञान के होते हुए मौजूदगी रहते हुए जो उसमें तारतम्य रूप भेद पड़ेगा, उन भावों से नया कर्म बन रहा है, उस हिसाब से गति बनती है उसकी। तो सब ये तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से है, दर्शनावरणी का क्षयोपशम भी है उसके, अंतराय का क्षयोपशम भी है उसके, एक इंद्रिय के। जब ये क्षयोपशम बढ़ते बढ़ते सैनी पंचेंद्रीय के योग्य कुछ एक विशिष्ट जाति का क्षयोपशम हो गया, सैनी पंचेंद्रीय जीव का, तो उस विशिष्ट जाति का क्षयोपशम हो जाने पर अब उसके आठों कर्मों में जब विशेष बंध उदय आए तो वो विशिष्ट क्षयोपशम क्षयोपशम लब्धि में बदल जाता है। सैनी पंचेंद्रीय जीव के क्षयोपशम में ये पात्रता होती है कि सैनी पंचेंद्रीय जीव का क्षयोपशम क्षयोपशम लब्धि में कन्वर्ट हो जावे। एकेंद्रीय जीव का क्षयोपशम ज्ञान क्षयोपशम लब्धि में नहीं बदल सकता। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रीय जीवों तक का क्षयोपशम क्षयोपशम लब्धि में नहीं बदल सकता। सैनी पंचेंद्रीय जीव का क्षयोपशम हो, सबसे पहले तो सैनी पंचेंद्रीय हो, फिर उसको एक विशिष्ट जाति की क्वालिटी मिल गई उसको उसके महाभाग्य से, जैसे बिल्ली के भाग से चीखा टूट जाता है, ऐसा कुछ हो गया, कर्म का सबका अप्रशस्त प्रकृतियों का मंद उदय आने लग गया, बोले कन्वर्ट हो गया, क्षयोपशम लब्धि हो गई। अब उस लब्धि का सदुपयोग करे, क्षयोपशम लब्धि का विशुद्धि पूर्वक देशना सुनने में और फिर प्रयोग करने में तो करण के चांस है, और यदि नहीं करें तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और कुछ? भाव भाव कर्म अलग हैं, भाव प्राण अलग हैं। द्रव्य प्राण तो कहे जाते हैं पांच इंद्रिय तीन बल आयु और श्वासोच्छ्वास, ये दस कहलाते हैं द्रव्य प्राण। स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण पांच इंद्रियां, मन वचन काय ये बल, इनमें जो पावर वाली बात होगी ये तीन बल, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, ये दस तो हैं द्रव्य प्राण। इनमें भी यथा योग्य एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीवों के सबके विविध प्रकार, सैनी पंचेंद्रियों के दस प्राण, एक इंद्रिय के चार प्राण, फिर बढ़ते चले जाएंगे सैनी पंचेंद्रिय के दस प्राण। लेकिन ये जीव दस प्राणों से नहीं जीता, ये भाव प्राणों से जीता है। तो सुख सत्ता चैतन्य और अवबोध ये चार भाव प्राण कहे जाते हैं। ये जीव अपने भाव प्राणों से जीता है, जीव का अस्तित्व अपने आप से है, किसी और से नहीं है। सत्ता जीव का सुख ये उसका आधारभूत गुण है, ये प्राण है उसका, ये जिंदा रहता है उससे, सुख नाम का गुण है इसमें, इसलिए सुख के लिए निरंतर लालायित रहता है, ये भाव प्राण होने की वजह से, ये प्राण है ना, ये सुख की भावना यदि इस जीव के अंदर से निकल जावे पूर्ण सुख प्राप्त किए बिना, तो ये जीव जड़ हो जाए। कोई व्यक्ति ये कहे ना, अरे साहब मुझे तो सुख नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, ये पागल बनाता है, तू चेतन है, सुख नहीं चाहिए ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चेतन का भाव प्राण है। प्राण मतलब जिसके बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सके, उसका नाम है प्राण। प्राण किसे कहें? जिससे वो जिंदा है उसका नाम प्राण है। प्राण वो थोड़ी ना है कौन पुरानी मूवीज में जो आता था विलेन, वो नहीं है, मर गया वो तो, प्राण के भी प्राण निकल गए। तो कौन से प्राण से जीते हो आप,
ये प्राण तो निकल जाते हैं, ये प्राण तो छूट जाते हैं, विग्रह गति में ये प्राण नहीं है, तो कैसे जिएगा व्यक्ति? विग्रह गति में जीवन है कि नहीं है, बतलाओ। पांच इंद्रिय प्राण नहीं है विग्रह गति में, आयु तो है, तो प्राण तो है विग्रह गति में भी, ये छूटने के बाद भी, लेकिन ये जीव का जीवनपना भाव प्राण से है। ज्ञान, सुख, सत्ता, चैतन्य और अवबोध, मान ज्ञान दर्शन, ये ज्ञान दर्शन इस जीव के भाव प्राण हैं। ज्ञान दर्शन को निकाल दो तो जीव खत्म, जड़ हो गया। सुख निकाल दो तो जीव खत्म हो गया। जीव का अस्तित्व अपने आप से है, ये उसका भाव प्राण है। तो इनसे जीव का जीवन देखा जाता है, अनादि काल से अनंत काल तक इन चार में से कभी किसी की कमी नहीं आ सकती, ऐसा ही स्वरूप है, ये कभी कम नहीं हो सकते, ये खत्म नहीं हो सकते। द्रव्य प्राण छूट जाएंगे तो भी सिद्ध अवस्था में इसका जीवन अपने भाव प्राणों से चलेगा। द्रव्य प्राण तो कुछ भी नहीं है सिद्ध अवस्था में, भाव प्राण से जीवन चलेगा सादी अनंत काल तक। तो भाव प्राण वो जीवन का आधार है, और भाव मरण सब अलग अलग शब्द हैं, भाव कर्म, भाव प्राण और भाव मरण। भाव प्राण और भाव मरण में, भाव मरण तो दुख है, भाव मरण तो दुख की अनुभूति है, भाव मरण तो वेदना है, तड़प है, मैं मरा। मिथ्या दृष्टि जीव क्षण क्षण में भाव मरण करता है। भाव जी की पंक्ति, यूं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं, भाव कर्म भी कर रहा है, भाव मरण भी कर रहा है, सदियों से करता आया है, तो हर क्षण मरण हो रहा है। द्रव्य मरण, द्रव्य प्राण के छूटने पर, भाव प्राणों की खबर न होने पर भाव मरण, ये ऐसा चलता है। तो ये इतनी बातें कही है ना, और कोई शॉर्ट क्वेश्चन किसी का? आपने प्राण में चौथा अवबोध बताया, हाँ, तो और ज्ञान और दर्शन को आपने चैतन्य में बताया, हाँ, नहीं अवबोध को दर्शन में लेना है ना, सुख सत्ता चैतन्य और अवबोध, चैतन्य और अवबोध ये दोनों मिलकर के ज्ञान और दर्शन। चलिए, सो ये इतनी चर्चा आज अपनी यहाँ शंका समाधान के रूप में हुई है। शेष प्रकरण अपन कल अपने विषय को आगे चलाएंगे ही, अभी की बात को हम यहीं विराम। परमहंस भगवान की जय।